यूट्यूबर प्रगति वर्मा को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आज इन्होंने अपने चैनल पर एक सीरियस वीडियो अपलोड करके हम लोगों को बताया कि इनकी हेल्थ कंडीशन काफी खराब थी पिछले 2-3 महीनों से। असल में बात ये थी कि 3 महीने से प्रगति वर्मा ने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था और इन पिछले 3 महीनों में उनके फैंस के पास उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो कहाँ है और कैसी है। बट फाइनली आज प्रगति वर्मा ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हुए अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया कि पिछले 3 महीनों से वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बीमार चल रही थी, इसी वजह से वो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। वैसे तो आप लोग उनके चैनल पर जाकर उनकी ये वीडियो देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। स्टार्टिंग में प्रगति वर्मा का टाइफाइड हुआ था और उसी की वीकनेस की वजह से उनको एनीमिया हो गया था। उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो अपने बेड से उठ नहीं पाती थी। उनकी मम्मी उनको हाथ से खाना खिलाती थी। उसके बाद उनको पता चला कि उनके बैक में भी प्रॉब्लम है। असल में उनके स्पाइन के कर्व में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके चलते उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। इसी को लेकर उनकी काफ़ी सारी फिजियोथेरेपी भी हुई और अभी भी चल रही है। लास्ट में प्रगति ने बताया कि वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है और फैंस को बस यही अपडेट देना चाहती थी। तो बस गाइस अभी की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।